state the rule to determine magnetic field produced around a straight conductor carrying current सही है तो एक straight conductor है तो उसमें magnetic field का direction find out करने के लिए कौन सा rule आप use करोगे तो पहला तो बहुत ही simple है अगर आपको direction चाहिए straight conductor में so you have to use right hand thumb rule है ना right hand thumb rule आपको use करना पड़ेगा if अगर आप क्या कर रहे हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई करना चाहते हो इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ये हो गया पहला दूसरा क्या है फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको फोर्स आइडेंटिफाई करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल थर्ड करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है वो भी इंड्यूस्ड करंट का तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा फ्लेमिंगस राइट हैंड रूल है ना यह हालांकि सिलेबस के बाहर का है मतलब ये पिछले साल से रिमूव कर दिया गया है तो दिस इज़ आउट ऑफ सिलेबस तो आपको खाली ये दो पता होने चाहिए फोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए योर टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको चाहिए इन स्ट्रेट कंडक्टर यूर टू यूज राइट हैंड थम रूल